नमस्कार, मैं श्रीकांत वर्मा। आज हम लोग इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से संबंधित सेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। भारत के संविधान के आत्मा के रूप में लोकतंत्र को स्थापित किया गया है और लोकतंत्र की स्थापना एक मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, मैकेनिकल फॉर्म नहीं है। ये जब तक के लोगों के हृदय से प्रोद्भूत नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगी, तब तक के इसको संस्थापित किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इसी संस्थापना के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन तय किए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में डिस्कशन करने के बाद में, तो इसके केंद्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसके इंजीनियरिंग डिवाइस के लिए कि इसको हम कैसे रेगुलेट करें, कैसे इसको कंट्रोल करें, किस तरीके से इसको मॉनिटर करें, इसके लिए दो टूल बाद में निकल करके आए। शुरुआत के दौर पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इसमें सबसे अहम भूमिका निभाया है। बाद में मीडिया के रोल को देखते हुए भी मीडिया मैनेजमेंट के लिए एक पॉइंट और इसमें जोड़ा गया, जिसको हम MCMC या पेड न्यूज़ मॉनिटरिंग के सिस्टम के तौर पर जानते हैं। तो ये फंडामेंटल पार्ट है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग ये ऐसा टूल है जिसके तहत हम एक लेवल प्ले फील्ड प्रोवाइड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बिंदु पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर लेवल प्ले फील्ड प्रोवाइड करने की बात हम करते हैं, तो सबसे मूल में जो विषय आता है वह आता है कि सत्तारूढ़ सत्तासीन दल जो है उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है, जो प्रिविलेजेस हैं, उस प्रिविलेज को विड्रॉ किया जाए। और दूसरा, हम सब जानते हैं कि बिना संसाधनों के, बिना धनराशि के इलेक्शन की व्यवस्था पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए लेवल प्ले फील्ड प्रोवाइड करने के लिए एक मैक्सिमम सीलिंग लिमिट दी गई। उसमें ये कहा गया कि जो क्षेत्र विशेष है उसके लिए अधिकतम खर्च की सीमा क्या होगी। लोकसभा चुनाव के लिए अगर बात करते हैं तो सामान्यतः ये 70 लाख रुपये है, और विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो सामान्यतः ये 28 लाख रुपये सीलिंग लिमिट तय की गई है। लेवल प्ले फील्ड प्रोवाइड करने के लिए जो एक फंडामेंटल बात है वो ये है कि मनी पावर का दुरुपयोग न होने दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का सिस्टम तैयार किया गया है। इसमें कैश से संबंधित अगर मॉनिटरिंग की बात हम करते हैं, तो ये स्लाइड इस बारे में विशेष तौर पर फोकस करती है। कैश ले जाना इलीगल किसी भी कानून के अंतर्गत नहीं है, परंतु बहुत बड़े कैश के ट्रांजैक्शन से सस्पिशन जरूर पैदा होता है कि इसका उपयोग वोटर्स को, इलेक्टर्स को एंटाइसमेंट के लिए किया जा रहा होगा। यदि बड़ा कैश डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अधिकार होता है उस पर कार्रवाई करने का। इलीगल फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित कोई विषय होता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस कैश से संबंधित कार्रवाई कर सकता है। ब्राइबरी, टेरर, चोरी या नारकोटिक्स से संबंधित अगर कोई विषय होते हैं जिसमें कैश का इस्तेमाल किया जाने की संभावना हो, तो पुलिस अथॉरिटीज़ को इसके लिए कार्रवाई का अधिकार होता है। इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में क्लासिफाई हम कर सकते हैं। एक वो होगा जो लीगल एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें पब्लिक मीटिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, व्हीकल्स, इस तरीके की चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, इलीगल तरीके से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है कि एंटाइसमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, गिफ्ट्स के लिए, लिकर्स के लिए, या दूसरे प्रकार के जो आइटम्स हैं जिससे मतदाताओं को लुभावित किया जा सकता है, प्रलोभन दिया जा सकता है, ऐसे संबंधित। ये जो सेकंड पार्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, गिफ्ट्स, लिकर्स, इनसे संबंधित एक्शन को हमको मॉनिटर करना पड़ता है, इसके लिए प्रोएक्टिव एक्शन हमको लेने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें पब्लिक मीटिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स या व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाना रहता है, इसके लिए कुछ रेगुलेशंस और डायरेक्शंस और गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। अगर उनका पालन पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, कैंडिडेट्स करते हैं, और हमारे गवर्नमेंट मशीनरीज और एडमिनिस्ट्रेशन अगर करता है, तो ये सारा लीगल फ्रेम में इसको अकाउंट करते बन जाता है। जैसा पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया है कि इसमें जो मैक्सिमम लिमिट अब दिया गया है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, सामान्यतः 70 लाख, बट कुछ क्षेत्रों पर जहाँ पर ज़्यादा इलेक्शन एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होती, वहाँ पर 54 लाख इसकी सीमा दी गई है। इसी प्रकार से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जनरल कोर्स में 28 लाख है, बट जहाँ पर एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है, उनके लिए वो 20 लाख रुपए दिया गया है। ये खर्च की जो सीमा बताई गई है ये कैंडिडेट के लिए है, बट जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी के लिए
बात हम करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक्सपेंडिचर का कोई लिमिट नहीं है, बट यही सबसे ग्रे एरिया होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादातर खर्च को अपनी सीमा में ले लेती हैं और कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करने के लिए धनराशि का पोर्शन को कम करते हुए अपने लिए ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हैं। ये विशेष तौर पर मॉनिटरिंग का पार्ट होता है। इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं, जो सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम देखते चलेंगे और डिस्कस भी करते चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं जो 21 जनवरी 2013 का है। उसमें ये बड़ा साफ उन्होंने मेंशन किया है कि जो भी एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होंगे, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हैं तो 90 दिन के भीतर जो कंप्लीशन ऑफ असेंबली या लोकसभा इलेक्शंस होंगे उसके अंदर फाइल किए जाएंगे, और जो कैंडिडेट से संबंधित पार्ट है उसके लिए 75 डेज असेंबली इलेक्शंस के लिए और 90 डेज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है। ये पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित जो एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है उससे संबंधित फाइलिंग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कंवरलाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ चावला इस केस में जो पार्टी से संबंधित एक्सपेंडिचर और कैंडिडेट, उस पार्टी से जुड़ा हुआ कोई कैंडिडेट है अगर तो उससे संबंधित एक्सपेंडिचर, इसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए हैं। इसी के तारतम्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शंस भी इशू किए हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर के इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को किस तरीके से इसको मॉनिटर किया जाना है इसके बारे में बताता है। जैसे हम बात करें एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रैलीज, ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, इस तरीके जो खर्चे होंगे ये अकाउंटिंग और एक्सपेंडिचर लिमिट से संबंधित पार्ट होगा। वो दूसरा पार्ट होगा जिसमें हमको कैप्चर करना होगा जो कैश, गिफ्ट्स, लीगर, फूड्स, इस तरीके की चीज़ें होंगी, जो या जो एजेंट को पेमेंट करने की बात होगी, ये सब चूंकि लीगल फ्रेमवर्क के बाहर होता है इसलिए इसके कैप्चर या सीजर के संबंधित कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा इसमें होगी। कैंडिडेट अपने धन का उपयोग किन किन जगहों पर कर सकता है या करता है उससे संबंधित ये स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इलीगल पार्ट है वो स्पेशल फोकस और मॉनिटरिंग का होता है, इससे संबंधित कंप्लेंट्स हम लोगों को एड्रेस भी करने की ज़रूरत पड़ती है। बट बाकी जितना पार्ट है जो लीगल फ्रेम में भी जिसको एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको लगातार उसका मेंटेनेंस करता रहे, उसके अकाउंटेबिलिटी लगातार बनती रहे, इसके लिए टाइमलाइन भी फिक्स किया गया है कि कितने टाइम पे कोई कैंडिडेट अपने एक्सपेंडिचर से संबंधित डिटेल्स जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर से संबंधित उनके सामने प्रस्तुत किया करेगा। इलेक्शन से संबंधित जो कानून हैं जिनका उपयोग चाहे इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की बात कर लें हम, चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर लें, चाहे मीडिया मॉनिटरिंग की बात कर लें, इसमें जो कानून हमारे जानकारी में रह जाने की अपेक्षा की गई है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं इसमें खासतौर पर कंपेंडियम इलेक्शन एक्सपेंडिचर का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, पेड न्यूज़ का या मीडिया मैनेजमेंट का, इसके साथ में इंडियन पिनल कोड 1860 और इनकम टैक्स लॉज, ये हमारे रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आरपी एक्ट 1951 के जो लीगल प्रोविजंस जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर से ज़्यादातर संबंधित हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन 10 ए ये डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताता है, अगर अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस को लॉज करने में किसी प्रकार का फेल्यूर हो जाता है तो उसके लिए डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एनविसेज किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इसमें दो बातें कही गई है कि जिस तरीके से और जितने समय में इलेक्शन एक्सपेंडिचर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है वह किया जाना चाहिए, इन दोनों में से किसी भी प्रकार की चूक होने पर 3 साल का डिसक्वालिफिकेशन पीरियड किया जा सकता है, और ऐसा करने के लिए जो सक्षम होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सक्षम होगा। दूसरा जो विधिक आधार है सेक्शन 77(1) वो ये कहता है कि इलेक्शन या इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट एक सेपरेट और करेक्ट अकाउंट इलेक्शन एक्सपेंडिचर से संबंधित जितना है उसके लिए एक सेपरेट और करेक्ट अकाउंट मेंटेन करेगा, और ये प्रारंभ होगा नॉमिनेशन की तारीख से लेकर के डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स तक, दोनों तारीख इसमें इंक्लूड किया गया है। अर्थात खर्च की जो अवधि है वो नॉमिनेशन के प्रारंभ होने से लेकर परिणाम की घोषणा तक के है, उस अवधि का पूरा रिकॉर्ड जितना भी खर्च किया जा रहा है उसको मेंटेन करने की आवश्यकता रहेगी। सेक्शन 77(1) स्टार कैंपेनर्स के संबंध में भी बात करता है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज अगर हैं तो स्टार कैंपेनर्स के लिए 40 लोगों के नाम की सूची, और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तो 20 स्टार कैंपेनर्स के नाम की सूची
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के सीईओ को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। ये प्रस्तुत किए जाने की जो अपेक्षा की गई है, ये जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, जिस तारीख को प्रेस नोट जारी होगा, उस तारीख से 7 दिवस के भीतर चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे सीईओ ऑफ स्टेट, इनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली स्लाइड में जब हम चर्चा कर रहे थे कि टाइमलाइन और मैनर, ये दोनों बताया हुआ है कि किस तरीके से इलेक्शन एक्सपेंडिचर को पेंशन किया जाना है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के समक्ष में 30 दिवस के भीतर जिस तारीख को परिणाम की घोषणा होगी, उस तारीख से 30 दिवस के भीतर सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उनको डीओ के समक्ष में अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर का कंप्लीट डिटेल प्रस्तुत किया जाना होगा। और अगर 30वां दिन रविवार का दिन है या शासकीय अवकाश का दिन है, तो ऐसी स्थिति में जो नेक्स्ट वर्किंग डे है वो इसमें कॉन्फर किया जाएगा। और यही टाइमलाइन है जिसके डिवीजन के स्थिति में सीधा सीधा डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया के तहत नोटिस जारी करती है, एक्सप्लेनेशन कॉल करती है, और एक्सप्लेनेशन कॉल करने के बाद में अगर समाधान कारक उत्तर नहीं प्राप्त होता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के तहत 3 साल के लिए डिस्क्वालिफाई कर सकती है कंटेस्टिंग कैंडिडेट को, जो इस विधिक व्यवस्था का प्रावधान का पालन करने में समर्थ न हो पाया हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A प्रिंटिंग ऑफ पैम्पलेट्स और पोस्टर से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन से संबंधित पैम्पलेट या पोस्टर अगर पब्लिशर और प्रिंटर, इन दोनों का नाम और एड्रेस, इसका उल्लेख अगर नहीं किया जाए, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन ₹2000, इसका पीनल प्रोविजन किया गया है। इसके लिए जो आज्ञापक अपेक्षा की गई है वो ये की गई है कि पब्लिशर की आइडेंटिटी के साथ घोषणा पत्र, प्रिंटर के द्वारा ड्यूली साइन किया जाना, प्रिंटर के द्वारा पब्लिशर को अधिकृत किया जाना कि वो इस सामग्री को छापने के लिए अधिकार दे रहा है, और ऐसे घोषणा पत्र को 2 व्यक्तियों के द्वारा अटेस्ट किया जाना आवश्यक होता है। उसके साथ ही साथ ऐसे घोषणा पत्र को सीओ या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। ये सीओ या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना इस बात पर निर्भर करता है जहां पर जो कंटेंट है उसके प्रिंटिंग का कार्य किया जा रहा है, अर्थात जहां पर प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड है, पब्लिशर का ऑफिस है, उस जगह इस बात को उस जगह से संबंधित, अगर वो सीओ से संबंधित है, अगर वो सीओ के जुरिस्डिक्शन में है या राजधानी क्षेत्र में है, जैसे रायपुर की अपन बात करते हैं, तो सीओ ऑफिस में, और अन्यथा इस स्पेसिफिक इलेक्शन की बात अगर मैं करूं कि मारवाही डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक होगा। या विशेष तौर पर गौर करने वाली बात यह है कि मारवाही इलेक्शन में शायद ये कंटेंट, जितना पॉलिटिकल कंटेंट छपने वाला रहेगा, चाहे वो पैम्पलेट्स हों, चाहे पोस्टर्स हों, चाहे बैनर्स हों, ये शायद छपने का काम बिलासपुर ज़िले में किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बिलासपुर ज़िले के डीएम को जो सूचना दी जाएगी, वो डीएम गोरेला पेंड्रा मरवाही, इनको कम्युनिकेट करने का व्यवस्था रखना ज़रूरी होगा। इसको लगातार मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ेगी, और क्लोज कन्वर्सेशन नेगोशिएशन इस बिंदु पर किए जाने की अपेक्षा की जाएगी। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने चर्चा किया है कि प्रिंटर के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वो जो पब्लिशर है, जो छपवा रहा है उस कंटेंट को, उससे विधिक अधिकार पत्र प्राप्त कर ले, घोषणा पत्र प्राप्त कर ले, ड्यूली अटेस्ट करा ले, और ऐसा जो प्रिंटिंग कंटेंट होगा, प्रिंटिंग मटेरियल होगा, उसके सैंपल के सहित 3 दिन के भीतर उसको संबंधित अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भेजना होगा। तो यदि प्रिंटिंग बिलासपुर ज़िले में हो रहा है, तो बिलासपुर के डीएम को भेजा जाना होगा, बट साथ में अगर इसकी कॉपी एंडोर्स हो जाए डीएम गोरेला पेंड्रा मरवाही के लिए, तो शायद एडिशनल एड ऑन इसका हो सकेगा। बट हालांकि कानून की ऐसी अपेक्षा नहीं है, बट इस गैप को ब्रिज करने के लिए अगर चर्चा कर ली जाए तो बेहतर होगा। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, इसके रूल नंबर 86 में जो पर्टिकुलर्स है, जिसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस के अकाउंट का उल्लेख किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से मद हैं जिनमें खर्च किया जाएगा, किस तारीख को खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया, क्या तरीके से उसका भुगतान किया गया,
जिसका भुगतान किया गया उसके डिटेल्स, उसका नाम और एड्रेस, वाउचर्स अगर हैं तो उसके डिटेल, जो बिल्स होंगे उनके बारे में जो सीरियल नंबर्स होंगे वो, और जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है वो, इन सब चीज़ का पूरा विवरण आपको प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। तो इसके लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर से संबंधित जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के संधारण की बात कही गई है, और ये रजिस्टर नॉमिनेशन फाइल करते समय कैंडिडेट को दिए जाने की एक आज्ञापक अपेक्षा भी की गई है। उस रजिस्टर में स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, उसमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं, उसके साथ ही साथ इलेक्शन एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए जो डायरेक्शंस जारी किए गए इलेक्शन कमीशन का, उसकी पूरी बुकलेट भी इनको साथ में हैंडओवर की जाती है, ताकि किसी प्रकार का ये स्पेस न बने कि उनको ये जानकारी नहीं दी गई। उसके साथ ही साथ इलेक्शन एक्सपेंडिचर से संबंधित कुछ अगर गैप्स हैं, एड्रेसेस हैं, उनको भी एड्रेस किए जाने की बात की जाती है। विशेष तौर पे कुछ सामग्री है जिनका स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर देना पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स के कंसेंट के साथ में किया जाना से इलेक्शन एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग करना आसान हो जाता है। तो बहुत से आइटम्स होते हैं जिनके स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड रेट्स पे कंसेंट हमको बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्टैंडर्ड आइटम्स जिनके रेट्स नहीं होते हैं, उनके शेड्यूल हमको तैयार करने होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाने रहते हैं। तो ऐसे दो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के साथ में अगर आइटम्स के रेट्स, आइटम रेट फिक्स कर लिए जाएं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स सबके लिए और हमारे लिए भी अकाउंटिंग करने के लिए आसानियाँ व्यवस्था सुलभ करा देता है। खर्च की व्यवस्था से संबंधित पारदर्शिता, इसको बनाए रखने के लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में रूल 87(88) गौर करने लायक है। रूल 87 ये बोलता है कि जब जब DO के समक्ष में अकाउंट्स पेश किया जाएगा, उसके दो दिन की अवधि और डेट शेड्यूल उसको मेंशन किया जाना चाहिए कि किस कैंडिडेट ने किस तारीख को अपना अकाउंट यहाँ पर लॉन्च किया है, फाइल किया है। उसके फर्दर और आगे जाते हुए रूल 88 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे कैंडिडेट के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, तो उसको मात्र ₹1 प्रति पेज के दर से भुगतान करना होगा। सिर्फ ₹1 के भुगतान पर वो सारे अकाउंट्स को का इंस्पेक्शन कर सकता है जो कैंडिडेट ने लॉन्च किया है, और ऐसी कॉपीज अगर वो चाहता है तो वो कॉपीज भी उसको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो सामान्यतः चूँकि A4 साइज का रहता है, तो ₹1 पेज या ₹2 पेज की दर पर इसको उपलब्ध करा दिया जाता है। इलेक्शन से संबंधित जो रूल्स हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसके रूल 89 में जो प्रोविजन दिया हुआ है, जैसा मैंडेट किया गया है सेक्शन 78 में, कि समय और रीति इन दोनों के डिवीजन की रिपोर्टिंग DO के मार्फत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को की जाएगी। यदि उस रीति में नहीं तैयार किया गया है, नहीं प्रस्तुत किया गया है जिस रीति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसकी सूचना और उसकी रिपोर्ट भी DO को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजनी होती है। साथ ही साथ ऐसे रिपोर्ट की प्रति नोटिस बोर्ड में पब्लिश कर किए जाने की अपेक्षा भी की जाती है। उसके आगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं कैंडिडेट से, सेक्शन 10A ऑफ RP Act 1951 और उसके तहत डिसक्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया का विचार करते हुए इलेक्शन कमीशन अपने ऑर्डर्स इशू कर सकती है। रूल 89 कैंडिडेट के लिए ये जगह देता है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको नोटिस इशू करता है तो 20 दिवस के भीतर अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन के समक्ष वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। अगर रिप्रेजेंटेशन DO के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो DO अपने कमेंट के साथ ऐसे रिप्रेजेंटेशन के 5वें दिन इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं। इलेक्शन कमीशन विचार करने के बाद, सुनवाई करने के बाद, अगेन सेक्शन 10A के प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए, अगर लगता है तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट को 3 साल के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने से डिसक्वालीफाई करने का ऑर्डर जारी कर सकती है, और ऐसा जो ऑर्डर है उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाना आवश्यक होता है। खर्च की सीमा से संबंधित अगर बात हम करते हैं, तो इसके बारे में रूल 90 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स बोलता है कि अगर खर्च ज़्यादा कर दिया, जितनी सीलिंग दी हुई है उससे ज़्यादा अगर खर्च कर दिया, तो इसके लिए एकमात्र उपचार इलेक्शन पिटीशन है, जो विनिंग कैंडिडेट के खिलाफ लगाया जाएगा।
हाई कोर्ट में लगाया जाएगा। इस बिंदु पर और किसी दूसरी अथॉरिटी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इंडियन पिनल कोड 1860 में इलेक्शन से संबंधित जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए प्रोविजन दिया हुआ है। 171B इस फॉर ब्राइबरी, 171E पनिशमेंट है ब्राइबरी के लिए, जिसमें 1 साल का पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों लिया गया है। ब्राइबरी में फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट, ऐसे जितने भी प्रोविजंस हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है। 171C इलेक्शंस के अनड्यू इन्फ्लुएंस से संबंधित है। 171F 1 साल के इम्प्रिजनमेंट, फाइन या इन दोनों से संबंधित प्रावधान को उल्लेखित करता है। 171C के संबंध में ये जानने की ज़रूरत है हमको कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी कंटेस्टिंग कैंडिडेट के फेवर में 10 रुपये से अधिक का राशि खर्च करता है तो उस खर्च के लिए कंटेस्टिंग कैंडिडेट की सहमति होना ज़रूरी है। अर्थात ये सीलिंग है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। स्टॉन्च समर्थक होने का या पार्टी का समर्थक होने के आधार पर अगर वो बोलता है कि मैं इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, तो वो करने के लिए स्वतंत्र है, बट खर्च इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे खर्च को माना जाएगा कि वो कैंडिडेट के द्वारा किया गया है और उसको अकाउंट ऑफ रजिस्टर्स में, शेडो रजिस्टर जो रहता है उसमें शो करने की ज़रूरत होगी। जैसे मैंने आपको चर्चा किया अभी, 171 बहुत एक्सक्लूसिवली एक्सप्लिसिटली इस बात को कहता है कि कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में उसकी लिखित सहमति के बगैर खर्च नहीं कर सकता और ऐसा किया जाना अवैधानिक है। उसी क्रम में 171I ये कहता है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर से संबंधित अकाउंट्स, इसको मेंटेन करना अज्ञापक प्रावधान है और इसका वायलेशन होने पर 5,500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। RPA सेक्शन 10A की हम बात कर रहे थे, उसमें ये बात कही गई है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर को किस रीति में और कितने समय में प्रस्तुत किया जाना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में इसका फैसला ये भी दिया है कि ये सेक्शन अकाउंट के इनकरेक्ट या अनट्रू होने के संबंध में भी जांच कर सकता है। यदि ऐसा पाया जाता है तो भी सेक्शन 10A के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके तहत कार्रवाई करने के लिए ECI सक्षम होगा। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए जो मैकेनिज्म हमको बनाना है जिला स्तर पर, वो ये है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको डिजिग्नेट करना है। फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स, वीडियो सर्विलेंस टीम्स, वीडियो व्यूइंग टीम, अकाउंटिंग टीम, एक्साइज टीम और मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए जो मैकेनिज्म है उसमें एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के बारे में स्लाइड बताता है हमको। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स बनाए जाने की ज़रूरत उन जगहों पर ज़्यादा होती है जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, अन्यथा एक असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो सीधे सीधे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के बिहाफ में उनके डायरेक्शन पे बाकी टीम्स के साथ सामंजस्य और समन्वय बनाते हुए काम करते रहते हैं, उनको बनाए जाने की ज़रूरत होती है। इसमें सामान्यतः हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अकाउंट सेक्शन के जो लोग रहते हैं वो मेंटेन वो रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनको अकाउंट कीपिंग का भी एक्सपीरियंस रहता है प्लस आइटम रेट और उसके से संबंधित जो खर्च है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने के लिए उनका एक विशेष इंसाइट होता है, इसलिए उनकी एक्सपर्टी का एरिया ये होता है। इसलिए असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के तौर पर सामान्यतः अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सेवाएँ ली जानी चाहिए। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जैसा मैंने बताया कि DO के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इनको रिप्लेस कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि नहीं, ये उनकी अपेक्षाओं के प्रतिपूर्ति करने के लिए सक्षम नहीं है या कमिटमेंट का अभाव है उनके अंदर, तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो है इनको हटाने के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को शेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर, फोल्डर ऑफ एविडेंस, इन दोनों को मेंटेन करना होता है। एक्स्ट्रा असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रिकमेंड कर सकते हैं ऐसी जगहों पर जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनके लिए। ये असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर डेली रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये रिपोर्ट अपने सिग्नेचर से वो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के समक्ष रोज़ प्रस्तुत करते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि वीडियो टीम, अकाउंटिंग टीम्स,
मीडिया मॉनिटरिंग टीम, कंट्रोल रूम्स और कॉल सेंटर से संबंधित, फ्लाइंग स्क्वाड से संबंधित और सर्विलियंस से संबंधित जो टीम्स हैं उन सब की रिपोर्ट्स को इनको कंपाइल करना होता है, और कंपाइल करने के बाद में उससे संबंधित डेली रिपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑर्डरों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जनरल गाइडलाइन के तौर पे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट के लिए 3 या अधिक फ्लाइंग स्क्वाड्स की अपेक्षा की गई। स्टैटिक सर्विलियंस टीम्स आवश्यकता अनुसार, क्योंकि ये बॉर्डर सील करने के लिए मेनली रहती है और जिन जगहों पर ज़्यादा निगरानी करने की ज़रूरत होती है ऐसे जगहों पर स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स उनको लगाने की अपेक्षा की गई है। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फ्लाइंग स्क्वाड्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स जो रहते हैं वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स में कुछ ज़्यादा होंगी। इनमें मजिस्ट्रेट इनकी इसको हेड करते हैं। एडिक्वेट नंबर्स इनको गैजेट नोटिफिकेशन से इनको ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि जनरली मजिस्ट्रेट के पावर्स रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास में होती हैं और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की संख्या ज़्यादा नहीं रहती है। तो इन पोजीशंस के लिए हमको एडिशनल मजिस्ट्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पावर डेलीगेट किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए DO से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए पावर डेलीगेट करने का प्रस्ताव CO ऑफिस को भेजा जाता है, और CO ऑफिस के द्वारा होम डिपार्टमेंट को इसको फॉरवर्ड किया जाता है, और होम डिपार्टमेंट गैजेट नोटिफिकेशन के मार्फत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को नोटिफाई करती हैं जो ड्यूरेशन के लिए, जिस ड्यूरेशन में इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं उस पूरे ड्यूरेशन के लिए ऐसे लोगों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पावर डेलीगेट करती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी टीम्स हमको चाहिए होती हैं, और GPS इनेबल्ड फ्लाइंग स्क्वाड की व्हीकल्स होनी चाहिए, मोबाइल ट्रैकिंग होनी चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड की व्हीकल्स GPS से इनेबल होने पर हमको सी विजिल पे इनको डिप्लॉय करना, सी विजिल पे जो कंप्लेंट्स आएंगे उनका डिप्लॉय, उनके रेजोल्यूशन के लिए हेल्पफुल हो पाएगा। यहाँ एक ही बात ज़्यादा गौर करने की है, वो ये है कि स्टैटिक सर्विलेंस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड्स इनको तीनों शिफ्ट में लगाए जाने की बात कही गई है। तो तीन शिफ्ट में जितनी संख्या में लगाना है उतनी संख्या में लगाने के लिए एडिशनल हैंड्स रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये डेली एक्टिविटी रिपोर्ट होगी स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स की, जो सीजर ऑफ कैश या जो भी कंप्लेंट्स आएंगे उन कंप्लेंट्स से संबंधित इस फॉर्मेट में डेली इनको प्रस्तुत करना होता है। फ्लाइंग स्क्वाड के लिए एक्सपेक्टेड है जो कंप्लेंट हैं उन पर एक्शन ले, सेम डे रिपोर्ट करे, रिकॉर्ड में एविडेंसेस ले, सीजर कैश करें, अलग प्रकार के जो इंड्यूसमेंट्स होंगे उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उस पर एक्शन ले, कार्रवाई करें, अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, सीजर पे रिपोर्ट अपने सबमिट करें, स्टोरेज ऑफ मनी कहीं पर अगर होता है तो वैसी स्थिति में जब तक कि उसमें माकूल व्यवस्था ना आ जाए तो उसको सराउंड करें। इसमें विशेष तौर पे ये बात देखने वाली है कि किसी स्थान पर कभी 10 लाख रुपये से ज़्यादा का कैश होने की सूचना अगर रहती है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अधिकार रहता है, बट वो स्थान पे जो लोग हैं वो लोग इधर उधर ना जाएं तो उनको एस्कॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको रोकने की ज़रूरत पड़ती होती है। ऐसी स्थिति में सराउंडिंग एक्टिविटी हमको करना पड़ता है उनको वहीं पे थामने के लिए। इस काम के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की का उपयोग किया जा सकता है। फ्लाइंग स्क्वाड के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एक्सपेंडिचर से संबंधित रिपोर्ट्स के लिए डेली एक्टिविटी रिपोर्ट है, उसका फॉर्मेट एनेक्सर B9 में दिया हुआ है। ये डेली रिपोर्ट सबमिट की जाएगी असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को, प्लस जो नोडल ऑफिसर हैं स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर के उनको भी। ये स्टैटिक सर्विलेंस टीम भी करेगी और फ्लाइंग स्क्वाड भी करेंगे, इन दोनों जगहों पे अपनी रिपोर्ट देंगे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर प्लस नोडल ऑफिसर ऑफ स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है 29 मई 2015 को, उसमें उन्होंने कहा है कि चेकिंग के दौरान अगर किसी व्यक्ति के पास में 50,000 रुपये से अधिक कैश पाया जाता है तो उसको उस राशि से संबंधित, उसके विधिमान्य से संबंधित जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गई। बट यह भी महत्वपूर्ण है कि ये 50,000 रुपये सिर्फ नगद के रूप में उसको प्राप्त होता है और उसके साथ में कोई भी ऐसा कैंपेनिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो आदमी उसको लेकर के चल रहा है 50,000 रुपये, तो वैसे अमाउंट को सीज करने की ज़रूरत नहीं होती है 50,000 से अगर कम है तो। पर यह सामान्यतः इलेक्शन कमीशन इस बात को फोकस करता है कि 10,000 रुपये से अधिक राशि अगर कोई लेकर के चल रहा है तो उसका इस्तेमाल गिफ्ट्स के लिए या वोटर्स को एंटाइसमेंट के लिए, इंड्यूसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऐसे कैश को कैरी करने की व्यवस्था को डिस्करेज किया जाना चाहिए। 50,000 रुपये की राशि के साथ में अगर कोई इलेक्शन कैंपेनिंग मटेरियल मिल जाता है तो उसको सीज करना चाहिए। 50,000 रुपये से ज़्यादा की अगर राशि है मगर उसके साथ में कोई और कैंपेनिंग मटेरियल नहीं है तो ये बात देखने वाली होती है
अगर वो उसके लेजिटिमेट होने से संबंधित दस्तावेज पेश कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अदरवाइज कभी कुछ ऐसा डाउट हो तो इसके लिए आप सीज कर सकते हैं, और सीजर के संबंध में जो आदमी जो एग्रीव्ड है वो अपनी बात रखने के लिए उसको समय दिया जा सकता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी होती है, उस कमेटी में सामान्यतः सीईओ जिला पंचायत उसके अध्यक्ष होते हैं, रखे जाते हैं। तो जो कमेटी है उस कमेटी के समक्ष में मामला प्रस्तुत किया जाता है, और 24 घंटे के अंदर उस कमेटी को यह तय करना होता है कि इस राशि को सीज करके रखना है, इसको इलेक्शन एक्सपेंडिचर के तहत कार्रवाई में ले करके FIR दर्ज करनी है, या इसको वापस किया जाना है। तो इससे संबंधित निर्णय वो कमेटी कर सकती है। तो मौके पर कभी कभी ऐसी अप्रिय स्थिति आती है, उसके रेमेडियल मेजर के तौर पर ये प्रोविजन का इस्तेमाल किया जाना उचित होगा। कभी ऐसी सूचना मिलती है कि किसी एक स्थान पर कैश की होल्डिंग है, बहुत दूसरे प्रकार के वैल्यूएबल्स जो है जमा हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसको कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है। फ्लाइंग स्क्वाड्स लोगों को रोकने के लिए और जो सेट प्रिमाइस है उसकी सुरक्षा करने के लिए तत्काल मौके पर पहुंच जाए और वहां पर उन लोगों को रिटेन करके रखे। मीनवाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स आएंगे उसके बाद उनकी उपस्थिति में ही उस परिसर को, उस प्रिमाइस को दबिश के तहत उस पर कार्रवाई की जाने की अपेक्षा की गई है। ऑब्वियसली ऐसी परिस्थितियों पे सारी कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाना अपेक्षित है। डी और SP जो नेसेसरी असिस्टेंस हैं सर्च के लिए वो प्रोवाइड करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस बल जो फ्लाइंग स्क्वाड्स के साथ है उसके अतिरिक्त भी उपलब्ध कराया जाएगा। सर, पिछले स्लाइड में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि रिलीज ऑफ कैश गुड्स एक्सेट्रा के लिए जो कमेटी होती है, उस कमेटी में ये मेंबर्स होंगे: CEO जिला पंचायत, नोडल ऑफिसर ऑफ एक्सपेंडिचर इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर। ये तीन ऑफिसर्स की जो कमेटी है वो ये तय करेगी कि जो सीजर हुआ है वो सीजर इलेक्शन से संबंधित अपराध से रिलेट किए जाने के उपयुक्त है, अन्यथा इसको वापस किया जा सकता है। जो कैश होगा जब तक कि रिलीज नहीं होगा तो वो जो नोडल ऑफिसर हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के नोडल ऑफिसर, उनके पास रखा जाएगा। कुछ परिस्थितियों पे अगर उचित लगे तो ट्रेजरी में भी इसको रखा जा सकता है और कमेटी के डिसीशन के बाद इसको रिलीज किया जा सकता है। बट 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई अमाउंट होगा जो जब्त होगा और अगर रिलीज होगा तो रिलीज इससे संबंधित जो जानकारी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करने की जिम्मेदारी इस कमेटी की होगी। ऐसा कोई सीजर अगर कैश या गुड्स का है तो ये अगर रखा जाना है, जब्त रखे जाने की अपेक्षा की गई है, ये डाउट हो रहा है कि इसको, इस कैश का इस्तेमाल इंड्यूसमेंट या एंटाइसमेंट के लिए किया जा सकता है, तो पोल डे के 7 दिवस बाद तक के इसको सीज रखा जाना चाहिए। या दूसरा तरीका यह है कि अगर FIR या कंप्लेंट अगर लॉज हो गई है तो उस तारीख तक रखा जाना चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट के लॉज के साथ ही ये चालान के प्रति के साथ में संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्य के लिए संबंधित DO को जिम्मेदारी तय की गई है। ये रिलीज ऑफ कैश और गुड से संबंधित कुछ केस स्टडीज़ हैं। पंजाब में 2014 में पार्टी फ्लैग के साथ में एक SUV पाई गई थी जिसमें 10 बॉटल थे IMFL की, जो बिना बिल के थे उनको सीज कर लिया गया। 27/4/2014 को सीज किया गया और रिकॉर्ड पे 30/4/2014 को लिया गया, बट FIR लॉज नहीं की गई, एक्सपेंडिचर बुक नहीं किया गया। MCC वायलेशन से संबंधित जो फ्लैग लगा करके गाड़ियां चल रही थी उसमें MCC वायलेशन से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिकर के इलीगल ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो लीगल नोटिस DO को दिया गया उसके बाद 16/9/2014 को SUV रिलीज कर दी गई। 28/9/2014 को SHO फिर सस्पेंड किए गए और SSP को वॉर्न किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। बट जो कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जा सकती थी उसके डिविएशन के कारण इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना पड़ा। राजस्थान से संबंधित मामला है 2017 का। ये 1.1 लाख का कैश सीजर हुआ, SST ने सीज किया, और दूसरा 35 लाख रुपए 17/3/2017 को और 24/3/2017 को सीज किया। 4/7/2017 के जो स्टेटस को फॉलोअप लिया इलेक्शन कमीशन ने तो पता चला कि 1.1 लाख रुपीज़ के लिए FIR नहीं हुआ था, बट इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कोई लिंकेज नहीं था। 35 लाख रुपीज़ का जो था उसमें FIR किया गया, बट पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कोई लिंकेज नहीं था, इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी गई। ये जो उदाहरण है इसमें स्लाइड पे दिए गए हैं, ये बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया है SOP 29/5/2015 और 8/5/2017, इन दोनों के वायलेशन पे हैं।
वीडियो सर्विलेंस टीम ये जो भी सभा रैली से संबंधित गतिविधियां चलते रहेंगी उनके वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगे। जिसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो क्यू शीट बनाना होगा वीडियो सर्विलेंस टीम को, नंबर एक। नंबर दो, जब किसी इवेंट को वो कैप्चर कर रहे होंगे तो जैसे एंकरिंग की जाती है बिल्कुल उसी तर्ज पे इनको अपना रिकॉर्ड करना होगा। जहाँ जिस जगह पर घटनास्थल पर पहुँचेंगे वो तो अपने वॉइस रिकॉर्ड में इस बात का उल्लेख करेंगे कि वो कहाँ खड़े हैं, समय क्या हुआ है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं तय की गई हैं रैली से संबंधित या सभा से संबंधित, तो कितनी कुर्सियाँ हैं, कितने लाउड स्पीकर्स हैं, कितने फ्लैग लगाए गए हैं, किस आकार के लगाए गए हैं, जो बैरिकेड की गई है उसमें कितना खर्च हुआ है, इस तरीके की सारी चीज़ें, मतलब कुल मिलाकर के मोटा मोटा ये अंदाज लगाने की कोशिश करना कि इस एक्टिविटी में या इस इवेंट में टोटल कितना खर्च संभावित हुआ है। और उसके बाद कार्यक्रम जब समाप्त होगा तो समाप्त होने के बाद में कार्यक्रम की अवधि और समाप्त होने से संबंधित बात अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करते हुए उस वीडियो को क्लोज किया जाएगा। ये वीडियो सर्विलेंस टीम के लिए क्यू शीट है एनेक्सर B7। वीडियो व्यूइंग टीम जनरली स्टैटिक टीम होती है और कंट्रोल रूम चाहे इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जहाँ पर सामान्यतः रोज़ विजिट लेते हैं उन जगहों पर रहते हैं ये। तो वीडियो व्यूइंग टीम का ये काम होता है कि फ्लाइंग स्क्वाड या स्टैटिक सर्विलेंस टीम या कंप्लेंट के फॉर्म में अगर कोई भी वीडियो क्लिप्स आए हुए हैं तो इन सब का या न्यूज़पेपर्स में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर कोई खबर छपी है उन सबको व्यू करते हुए उससे असेसमेंट करें, उसका ध्यान में लाएं कि ये एक्सपेंडिचर कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर में शो किया जा रहा है या नहीं है। तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वीडियो व्यूइंग टीम बनाई जाती है और वीडियो व्यूइंग टीम ऐसे प्राप्त होने वाले वीडियोस को देखने के बाद में अपना इनपुट इलेक्शन ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर से शेयर करते हैं। अगर इन वीडियो के अवलोकन से यह पता चलता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से संबंधित कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही है तो इससे संबंधित रिपोर्ट उनको जनरल ऑब्जर्वर को और रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाना चाहिए। ये वीडियो व्यूइंग टीम का फंडामेंटल काम है। अकाउंटिंग टीम सीधे सीधे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के अंडर में काम करती होती है। शेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर के प्रिपरेशन का काम इनका होता है। फाइल फोल्डर ऑफ एविडेंस चूँकि ये मेंटेन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वीडियोज, सीडीज और एविडेंसेस जो इनके पास में आते हैं उनको फोल्डर ऑफ एविडेंस में केयरफुली इनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी की गई है। शेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में टोटल एक्सपेंडिचर जो भी इवेंट है जिसको कैंडिडेट ने किया है तारीख में उसका पूरा उल्लेख होना ज़रूरी होता है। तो सब आइटम वाइज चेक करना, इसको क्रॉस चेक करना, इसको वेरीफाई करना, ये काम भी अकाउंटिंग टीम का होता है। शेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर और फोल्डर ऑफ एविडेंस ये सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट के द्वारा इसको भरे जाने की आज्ञापक अपेक्षा है। फोल्डर ऑफ एविडेंस में जो कमजोर जो फोल्डर ऑफ एविडेंस के साथ में सीडीज, वीडियो एविडेंसेस और रेफरेंसिंग के साथ में जो डिटेल रहेगा वो सब उसका उल्लेख इसमें किया जाएगा। इसमें शेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में कैंडिडेट्स के सिग्नेचर होंगे या उसका जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो साइन करना ज़रूरी होगा उनका। सामान्यतः जब तक इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है तब तक ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के कस्टडी में रहेंगे, बट इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जब कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ रहे होंगे तब SOR और फोल्डर ऑफ एविडेंस ये डिप्टी DO को उपलब्ध कराएंगे और डिप्टी DO से पावती प्राप्त करने के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ सकते हैं। ये शेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर का फॉर्मेट है। इसमें सभी आइटम और आर्टिकल को डिटेल में देखने के लिए, लिखने के लिए जगह उपलब्ध कराया गया है। लिकर के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। डेली सेल का स्टॉक रजिस्टर जिन जगहों पर प्रोडक्शन होता हो, जिन जगहों से सेल होता हो वहाँ के रिटेलर्स डेली सेल का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और वेंडर वाइज डिटेल के साथ में ये एक्साइज के नोडल ऑफिसर के मार्फत प्रतिदिन रिटर्निंग ऑफिसर को या असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को उपलब्ध कराई जाएगी। न केवल इतना ही बल्कि स्टेट लेवल पे CO ऑफिस में जो स्टेट नोडल होंगे एक्साइज डिपार्टमेंट के वो भी इससे संबंधित पूरा ब्यौरा दिया करेंगे। बाय इलेक्शंस में जनरली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट का जो एरिया रहता है वो एरिया डिस्ट्रिक्ट रहता है, बट डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स के सराउंडिंग जो लिकर शॉप्स होती हैं वो एक बड़ा एंटाइसमेंट का एरिया बनती हैं।
तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, चूँकि कानून में ऐसा कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है कि उसको बंद रखा जाए या उस पर कोई और दूसरे प्रकार की कार्रवाई कर सकें, तो सेल की मॉनिटरिंग से इन चीज़ों को इफेक्टिव करने की व्यवस्था की गई है। तो सामान्यतः जहाँ पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उनके बॉर्डर से संबंधित, बॉर्डर से जुड़े हुए और एडजेसेंट जो लिकर शॉप्स रहती हैं उस पर क्लोज मॉनिटरिंग करने की अपेक्षा की गई है। ये विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है। और डिस्टिलरीज और वेयर हाउसेस अगर हैं इन जगहों पे, तो 24/7 CCTV मॉनिटरिंग इसमें लगाना है। न केवल CCTV मॉनिटरिंग बल्कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को भी आमद देनी है और लॉग रजिस्टर डेली बेसिस पे मेंटेन करने की ज़रूरत होगी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है, डेली उसको मॉनिटर किया जाएगा। ये एक्साइज डिपार्टमेंट का डेली रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है। जो नोडल ऑफिसर होंगे स्टेट लेवल के, उनके सिग्नेचर से CO ऑफिस को और कमीशन को प्रेषित किया जाएगा। ये केस स्टडी। ₹1,550 कंट्री लीकर्स के केसेस 3 ट्रक में विदाउट वैलिड परमिट ले जाए जा रहे थे, SST के द्वारा सीज किए गए। SST इंचार्ज ने नोडल ऑफिसर SST और रिटर्निंग ऑफिसर को सुबह 8 बजे इन्फॉर्मेशन दिया। पुलिस को 1:34 पर दोपहर में हैंडओवर हुआ। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर पर्सनल सोर्सेज से 8:05 शाम को उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। कोई भी ऑफिशियल इंटीमेशन SST पुलिस DO RO या एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के द्वारा 7 फरवरी 2017 तक नहीं दी गई, जबकि घटना 6 तारीख की सुबह 7:30 की थी। मैटर CO के पास ले जाया गया, लेकर फाइनली सीज किया गया 7 तारीख को रात को 8:40 पर। ये 19/5/2015 का जो इंस्ट्रक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके SOP का डिविएशन है। इस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा, जिसके लिए एक नोडल ऑफिसर पे अपॉइंट किया जाएगा। नोडल ऑफिसर प्रेफरेबली SDM या ADM रैंक के ऑफिसर्स होंगे और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन इन दोनों के लिए भी इनका जिम्मा होगा। इसके साथ ही साथ जो सारी जो कमिटीज हमने देखी हैं उसमें असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स और जो ऑफिशियल्स एंगेज हैं फ्लाइंग स्क्वाड में, SSTs में, वीडियो व्यूइंग टीम में, वीडियो सर्विलेंस टीम में, MCMC में, इन सब की ट्रेनिंग के लिए भी यही जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल है वो जिम्मेदार होगा। इस सेल का क्या काम होगा? पोल के समाप्ति के पश्चात शेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर और फोल्डर ऑफ एविडेंस अपने पास रखेगा। पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि जब इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर छोड़ते होंगे तब वो डिप्टी DO को हैंडओवर करेंगे, बट यहाँ पर उस प्रोविजन में और इम्प्रोवाइजेशन किया गया है कि एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल जो रहेगा वो करेंगे, बट इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डिप्टी DO ही इसको संधारित करते हैं, क्योंकि उनके पास में एक ऑफिस भी होता है और जगह भी होती है। नोडल ऑफिसर ऑफ एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल जो है वो DO और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के बीच में लिंक के तौर पर भी काम किया करेंगे और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल DO और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को स्क्रूटनी रिपोर्ट फाइनलाइज करने के लिए मदद भी करेंगे। ये स्क्रूटनी रिपोर्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स के बाद फाइनलाइज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज जाना होता है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम की भी भूमिका होगी। 24/7 कंप्लेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया जाएगा। कम से कम 3 से 4 हंटिंग लाइन्स फ्री टेलीफोन टॉल फ्री नंबर के साथ में एडजस्ट अवेलेबल किए जाने चाहिए और पब्लिक अपने कंप्लेंट्स को सीधे सीधे यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट और जो रिलेवेंट एविडेंसेस है उनकी कॉपी के साथ में उपलब्ध कराया जा सकता है। पब्लिक ऐसे कंप्लेंट की कॉपी और ऐसे कंप्लेंट पे लिए गए एक्शन की कॉपी ₹1 के भुगतान प्रति पेज ₹1 की दर से भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोविजन को विशेष तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और पब्लिक के बीच में पब्लिसाइज किए जाने की ज़रूरत होती है। इससे ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में ऐड होगी और हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल MCMC कमेटी के बारे में बात करें,
डिस्ट्रिक्ट लेवल एमसीएमटी कमेटी 24/7 काम करेगी, 3 शिफ्ट में ये लगातार काम करती रहेगी। इस कमेटी का काम होगा जो एडवर्टाइजमेंट प्रपोजल्स होंगे कैंडिडेट्स के, उनको सर्टिफाई करना, पेड न्यूज से संबंधित मीडिया को स्कैन करना, कंप्लेंट्स को एग्जामिन करना जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर या आरओ के मार्फत या डीओ के मार्फत प्रस्तुत किए जाएंगे, पेड न्यूज से संबंधित जो रिपोर्ट होगी एमसीएमसी कमेटी की उसमें आरओ के लिए आज्ञापक प्रावधान किया गया है कि 96 घंटे के रिपोर्ट प्राप्त होने के 96 घंटे के अंदर कैंडिडेट को नोटिस इशू करना है और उनका जो रिप्लाई होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एमसीएमटी कमेटी के द्वारा एक्सपीडिशियसली विचार किया जाएगा और कैंडिडेट को इनका डिसीशन करने कर रहा होगा। फाइनली आरओ को ही एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर एक्सपेंडिचर के अकाउंटिंग के लिए जिम्मेदार दिया गया है, इसलिए नोटिस इशू करने का जो काम है वो आरओ के हस्ताक्षर से होगा, बट स्क्रूटनी करने का काम, उस पर डिसीशन, उस पर विचार करके अपना अभिमत देने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एमसीएमसी कमेटी का होगा। 48 घंटे के अंदर यदि नोटिस प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर जो कैंडिडेट है वो अपना रिप्लाई फाइल नहीं करता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एमसीएमसी कमेटी का जो डिसीशन है, जो निर्णय है, वो निर्णय अंतिम मानते हुए आरओ उसको एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करने का काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल एमसीएमसी कमेटी के निर्णय से कोई भी व्यतीत है तो वो 48 घंटे के भीतर स्टेट लेवल एमसीएमसी कमेटी के समक्ष में अपील प्रस्तुत कर सकता है। स्टेट लेवल एमसीएमसी कमेटी के डिसीशन से भी अगर व्यतीत है तो उससे पुनः निर्णय के 48 घंटे के भीतर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दूसरी अपील प्रस्तुत कर सकता है। पर ऐसी अवस्था में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी निर्णय दिया वो निर्णय अंतिम होगा, उसके बाद फर्दर अपील का प्रोविजन नहीं है। मीडिया में जो कैंपेन होते हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए एमसीएमसी कमेटी के लिए यह स्लाइड देखिए। प्रिंट मीडिया में लोकल न्यूज़पेपर्स, जो दूसरे न्यूज़पेपर हैं सर्कुलेशन में उस एरिया में, खासतौर पे मैगजीन, पैम्पलेट्स एंड पोस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो भी जो प्राइवेट एफएम है उसके साथ में उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जो चैनल और केबल नेटवर्क्स हैं उनका बल्क एसएमएस इसको भी मॉनिटर किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट और पेड न्यूज़ से संबंधित जो रिपोर्ट है उसके लिए एनेक्सर V12 दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिसर इंचार्ज हैं मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी के, उनके हस्ताक्षर से ये सप्ताह में एक बार सी ऑफिस प्रस्तुत की जाएगी। जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए जो वेरियस एजेंसीज हैं उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को डिपिक्ट करता है, सारी व्यवस्थाओं के केंद्र में आरओ है, तो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से संबंधित जितना भी काम है वो आरओ के बिहाफ में किया जाएगा। देखिए इलेक्टर्स को एंटाइज करने के लिए किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, यूथ क्लब्स को कैश दिए जाते हैं, मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इलेक्शन के सानधे पे, मेडिकल कैंप्स चैरिटी के नाम पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, म्यूजिकल इवनिंग्स की जाती हैं, थिएटर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, टेलीविजन का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोजेक्टर्स विलेज क्लब्स को दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को फ्री बुक्स बांटी जाती हैं, टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए नगद भुगतान किया जाता है, ट्यूबवेल्स खुदवाए जाते हैं, मोबाइल फोन्स, टॉपअप कार्ड्स, लैपटॉप्स लोकल लीडर्स वोटर्स के मार्फत बंटवाए जाते हैं, मास मैरिज फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और शादी का समूचा खर्च बर्दाश्त किया जाता है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के बाद बिल जो रहते हैं उनका भुगतान किया जाता है, मुफ्त गाय भैंस बीज खाद सोलार लैंप्स ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे जाते हैं, डायरी कैलेंडर पर्स टी शर्ट सारीज वैनिटी बैग्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, पढ़तियाज जो होते हैं जिनमें जो कमीशन एजेंट्स होते हैं उनके मार्फत फार्मर्स को नगद बांटा जाता है, लिकर ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं उसमें कुछ स्पेशल कार्रवाई की जाने की अपेक्षा की जाती है। सबसे पहला तो ये कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो CO के द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी और कैंडिडेट्स उनके प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एक्स्ट्रा असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगाया जाता है। जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उसमें फ्लाइंग स्क्वाड्स और SSTs में एसेंशियली CPF को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि लोकल जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर एलिगेशंस ना लगे। सेक्टर ऑफिसर्स पर्याप्त संख्या में लगाए जाने चाहिए। 24/7 चेक पोस्ट 72 घंटे बिफोर पोल विशेष तौर पर स्थापित किए जाने चाहिए। एथिकल वोटिंग के बेसिस पे कैंपेन करने के लिए बार बार इसमें बोले जाने की ज़रूरत होती है क्योंकि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इससे बेहतर तरीके से हैंडल किया जाना संभव नहीं होता है।
जैसा पिछली बार मैं चर्चा कर रहा था कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स और खासतौर पे ये मरवाही इलेक्शन, इसमें लिकर सेल जो है उसको स्पेशली क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो लिकर सेल खासतौर पे जो उनका डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से लगे हुए पाँच, विशेष तौर पर 5 किलोमीटर के अंदर क्षेत्र जो होंगे उनमें जो स्थापित आपके शराब दुकान होंगी उनका सेल मॉनिटर किए जाने की अपेक्षा होगी। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है डीओ रेट लिस्ट। डीओ लेवल पे जो आइटम्स हैं जो खासतौर पे इलेक्शन कैंपेन की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले हैं उन सब का जो रेट लिस्ट रहता है वो कैंडिडेट्स को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिस तारीख को कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा है उस तारीख को। तो इसलिए ये अपेक्षित है कि नॉमिनेशन के पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में बातचीत होगी, बैठक होगी, उसमें कैंपेन मटेरियल्स के आर्टिकल्स का रेट फाइनल कर दिया जाए। इसमें डीओ जो अपनी रेट लिस्ट फाइनल करते हैं उस पर ऑब्जेक्शन और उसकी सुनवाई का प्रोविजन भी किया गया है। तो 24 आवर्स के अंदर ऐसे जो नोटिफिकेशन होंगे उसको 24 आवर्स के अंदर जो ऑब्जेक्शन किए जाएंगे उसका सुनवाई करके उसको फाइनल करने की अपेक्षा भी की गई है। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो प्रसारण किया जाएगा उसका रेट लिस्ट डायरेक्टेड से, और प्रिंट मीडिया में जो कुछ एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए जो रेट लिस्ट होगा उन सबको भी अवेलेबल कैंडिडेट को और पॉलिटिकल पार्टीज को कराया जाना चाहिए। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट कैंडिडेट के पास में हो। ये अपेक्षा की गई है कि नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के एक दिन पहले एक सेपरेट डेडिकेटेड बैंक अकाउंट जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट करेगा, उसका ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा, वो कैंडिडेट के द्वारा ओपन किया जाए। ये बैंक अकाउंट के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो किसी एक विशेष बैंक में खोला जाना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी ऐसा अकाउंट खोला जा सकता है। बट इसका स्पेसिफिक पर्पस होगा कि इलेक्शन से संबंधित रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स होंगे उनको ये अकाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। ये भी अपेक्षित है कि बैंक अकाउंट में जो ये वाला बैंक अकाउंट खोला जाएगा उसी बैंक अकाउंट से सारे इलेक्शन एक्सपेंडिचर कैंडिडेट को दर्शाना है, कैश फॉर्म में या किसी दूसरे प्रकार के एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में खर्च शो नहीं किया जाना होगा। सारा खर्च इसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होगा और बैंक अकाउंट बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा जितने भी खर्च कैंडिडेट इलेक्शन के पीटे कर रहा है। मॉनिटरिंग मेजर में बैंक के लिए भी कुछ रोल्स हैं। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स जो रहेंगे वो बैंक्स उनको शेयर करना होगा। तो लार्ज डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स, जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा के लार्ज डिपॉजिट और विड्रॉल को शेयर करना होगा। 1 लाख रुपए से अधिक का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा जो कैंडिडेट के अकाउंट से होगा उसको शो करना होगा, उसको शेयर करना होगा। मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स अदर बैंक अकाउंट्स में अगर हो रहे हैं तो उनके भी मॉनिटरिंग का सिस्टम ध्यान देना होगा, और ऐसी जो इन्फॉर्मेशंस होंगी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर की जाएंगे। तो बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो डीओ या आरओ को ऐसे ट्रांजेक्शन्स की जानकारी दें, और डीओ या आरओ की ये जिम्मेदारी होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इलेक्शन के लिए, कैंपेनिंग के लिए जो भी व्हीकल कैंडिडेट के द्वारा उपयोग में लाए जाएंगे उन सब का लिखित में परमिशन होना ज़रूरी होगा। ऐसा लिखित परमिशन व्हीकल के विंड स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा, ओरिजिनल में डिस्प्ले किया जाएगा, फोटोकॉपी में नहीं किया जाएगा, क्योंकि फोटोकॉपी में नंबर को टेम्परिंग करके दूसरे व्हीकल्स को के विंड स्क्रीन पर शो किया जा सकता है और दिखाया जा सकता है, और इस प्रकार से इलेक्शन फील्ड एक्सपेंडिचर के सिस्टम को डिविएट किया जा सकता है। यहाँ यह भी जानने की ज़रूरत है कि एक कैंडिडेट को जो परमिशन दी गई है जिस व्हीकल के लिए, किसी दूसरे कैंडिडेट के द्वारा अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो व्हीकल जब्त कर लिया जाएगा। पूरे पीरियड का जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो उस कैंडिडेट जिसके पक्ष में प्रचार करता हुआ पाया जा रहा है उसके लिए बुक किया जाएगा। व्हीकल को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इलेक्शन की पूरी प्रोसेस ख़त्म ना हो जाए, विशेष तौर पर पोल प्रोसेस जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक इस व्हीकल को सीज करके रखा जाएगा। कैंडिडेट अपने एक्सपेंडिचर से संबंधित अकाउंट को 3 बार एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के समक्ष में इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत करेगा। इसका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल कैंडिडेट से शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी असेंबली इलेक्शन में या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो हर कैंडिडेट को जो 3 बार करना है तो एंटायर ड्यूरेशन में जो किया जाना है उसके लिए रोस्टर बना दिया जाना ज़्यादा अच्छा होता है। रोस्टर बनाने के बाद में कैंडिडेट्स उसको शेयर करें,
ये स्पेसिफिकली बताने की ज़रूरत होगी कि ये तीन रजिस्टर कैंडिडेट को मेंटेन करने होते हैं, डे टू डे अकाउंट्स ऑफ रजिस्टर जो सफ़ेद कलर का होता है, कैश रजिस्टर जो पिंक कलर में होता है, और बैंक रजिस्टर जो येलो कलर में होता है। तो जब ये अकाउंट डिटेल के लिए रजिस्टर शेयर किए जाते हैं तो इसका जो प्रिंटिंग है जनरली इसी कलर कोड में कराने के बाद इनसे शेयर किया जाता है। शेडो रजिस्टर जो रहता है उसमें ये तीन पार्ट ऑलरेडी प्रिंट करा करके इनको उपलब्ध कराए जाते हैं। जब भी इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के समय में डीओ का ये दायित्व तो बनाया गया है कि एक्सपेंडिचर से संबंधित डे टू डे अकाउंट वाला जो पोर्शन है उसकी स्कैन करें। स्कैन करने के बाद में उसको डीओ के पोर्टल पे अपलोड किया जाए, और सीओ के पोर्टल पे या वेबसाइट पे भी इसका एक लिंक होना चाहिए। मतलब ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि कोई भी चाहे तो उसको देख सकता है, और इसकी सर्टिफाइड कॉपी अगर चाहे तो वो डीओ ऑफिस से प्राप्त कर सकता है। एक रुपये प्रति पेज की दर से भुगतान करने पर उसको सेम डे उसकी उपलब्ध करा दी जाएगी। इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स के लिए अगर प्रोड्यूस नहीं करता है तो इसमें भी फेल्यूर्स के लिए जो है इसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है 171I में, जिसमें FIR लॉज करने की व्यवस्था भी की गई है। कैंपेनिंग व्हीकल के परमिशन को विड्रॉ किया जा सकता है। अगर वो इंस्पेक्शन के लिए अपने अकाउंट्स को प्रस्तुत नहीं करता है तो कैंपेनिंग व्हीकल जो दी गई हैं उसके परमिशन को विड्रॉ किया जा सकता है, और व्हीकल फिर कैंपेनिंग व्हीकल सीज कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो फ्लाइंग स्क्वाड को और जो कंसर्न थाना है उन पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि कैंपेनिंग व्हीकल की परमिशन को विड्रॉ कर लिया गया है। पब्लिक का कोई भी आदमी, नॉट ओनली कैंडिडेट अदर देन कैंडिडेट, कोई भी व्यक्ति शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर इंस्पेक्शन के बाद जो जारी होता है उसके नोटिसेस और रिप्लाइज कैंडिडेट उसको एक रुपये प्रति पेज की दर से भुगतान करके प्राप्त कर सकता है। यहाँ टाइमलाइन का ध्यान रखे जाने की ज़रूरत होगी। अगर ऐसा कोई मांग किया जाता है शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर इंस्पेक्शन नोटिसेस और रिप्लाई ऑफ कैंडिडेट से संबंधित, इसको 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दिया जाना अपेक्षित किया गया है। यद्यपि बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इस संबंध में जारी नहीं किए गए हैं, बट जो अपेक्षा है इन लेटर एंड स्पिरिट वो यही है कि 24 घंटे के अंदर इसको दिए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा ये अपन देख चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर डीओ, डिप्टी डीओ इंचार्ज ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और ट्रेजरी ऑफिसर, इनके साथ डीएमसी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अगर अकाउंट्स में किसी प्रकार का कोई अंतर पाया जाता है तो कैंडिडेट को नोटिस जारी करने का काम आरओ करेगा। अगर कैंडिडेट उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सपेंसेस में ऐड कर लिया जाएगा। अगर वो ऐड नहीं करता है, आरओ की नोटिस पर उसका मतभिन्नता है, तो डीएमसी कमिटी 72 घंटे में इसकी सुनवाई करने के बाद इस पर निर्णय लेगी, और डीएमसी कमेटी का जो निर्णय होगा उसके आधार पर एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस खर्च को शामिल किया जाएगा। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि मतभिन्नता की स्थिति में डीएमसी का एक अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, बट उसके बावजूद भी अगर कैंडिडेट संतुष्ट नहीं है उस व्यवस्था से तो अकाउंट रिकन्सिलेशन कमिटी जो मीटिंग होगी उसमें वो अपना पक्ष पुनः रख सकता है। ये मीटिंग डिक्लेरेशन रिजल्ट के 26वें दिन डीओ के द्वारा बुलाई जाएगी, और अंडरस्टेटेड स्टेटमेंट जो भी डिक्लेरेशन रिलेटेड होंगे उन सब के ऊपर सुनवाई करने के बाद में इस पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। डीएमसी अकाउंट्स की स्क्रूटनी करने के बाद में राइटिंग में एक ऑर्डर पास करेगी, और जो भी डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट है अकाउंट के संबंध में उनको रिकनसाइल किया जाएगा। जो रिकनसाइल नहीं किए जा सके हैं वो उससे संबंधित फिर वो कैंडिडेट को सर्व करेगी या उसके इलेक्शन एजेंट को, उसी दिन जिस दिन सुनवाई का दिन होगा उसी दिन बताएगी। अगर कैंडिडेट इस बात पर सहमत हो जाता है तो उसका खर्च इलेक्शन एक्सपेंडिचर में जोड़ लिया जाएगा, और अगर वह सहमत नहीं है तो वो अपने रीज़न के साथ में डिफरेंसेस का क्या है, डिसएग्रीमेंट का रीज़न क्या है उसको बताते हुए डीओ को अपना पक्ष रख पाएगा, और इसकी सारी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शेयर की जाएगी। और ये 30 दिन के भीतर, जैसा कि कहा गया है कि जो डीओ की कमेटी है और उसमें फाइनल अकाउंट से उसको पेश करना होता है डिक्लेरेशन रिजल्ट से 30वें दिन अगर अवकाश का दिन है या स्टैच्यू कोई गजेटेड हॉलीडे है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे पे इससे इसको प्रस्तुत किया जाना फाइनल होगा। वो अंतिम तारीख है जिस पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर से संबंधित अकाउंट्स को अंतिम रूप दिया जाना होगा। बैंक्स एटीएम्स में फिल करने के लिए जो कैश लेकर के जाती हैं उनके लिए भी एसओपी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के एंगल से दिया गया है। इसमें खास तौर पे एम्बुलेंसेस और बैंक वैन्स
इन दोनों के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए प्रोविजन किया गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका उल्लेख करते हुए कंपेंडियम ऑफ एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में सितंबर 16 को एनेक्सर 66 जोड़ा गया है। कोई भी बैंक जो एटीएम में फिल करने के लिए वैन भेजता होगा उसमें लेटर या डॉक्यूमेंट अथॉरिटी लेटर के साथ होना ज़रूरी है। जो पर्सन इसको ले करके जा रहे हैं उसमें आइडेंटिटी कार्ड उनके होना ज़रूरी है और कितना कैश इसमें जा रहा है और किन किन जगहों पर ये कैश किन किन एटीएम्स में फिल किया जाएगा ये, प्लस उसके साथ में इसका जो टाइमलाइन है कि पहले कहाँ जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा, ये पूरे क्लीन जो है उसका डिटेल्स इस फॉर्मेट में जारी किए जाने की अपेक्षा की गई है। उस लेटर में जो अथॉरिटी होगी उसके साथ में व्हीकल के डिटेल्स भी मेंशन किए जाएंगे। इसमें कैश की हैंडलिंग के लिए, फॉरेन एक्सचेंज की हैंडलिंग के लिए, ऑथराइज डीलर से संबंधित जो प्रोविजन है और जो मनी चेंजर्स के लिए जो प्रोविजंस हैं वो सब आरबीआई ने एक एसओपी जारी किया है कि उसका डिटेल है 28 फरवरी 2017 के लेटर्स में इनसे संबंधित प्रोविजंस हमको देखने को मिलेंगे। ये केस स्टडी है त्रिपुर में 13/14/2016 फ्लाइंग स्क्वाड ने 3 कंटेनर ट्रक्स जब्त किए। पेपर्स के अनुसार 570 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोयम्बतूर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम की शाखा में मूवमेंट दिखाया गया था, पर डीओ से कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई थी कि इतने लार्ज मूवमेंट का कैश ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। पेपर्स का इमीडिएट वेरिफिकेशन नहीं किया गया। स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने एसओपी के लैप्सेस को ऑब्जर्व किया, इंटीमेशन में लैप्स था। आइको कॉमर्स सिस्टम ऑनलाइन एंट्री ऑफ कैश पोजिशन जो शो करता है उसमें एंट्री नहीं था। आरबीआई रीजनल डायरेक्टर चेन्नई सीएमडी एसबीआई और डिप्टी गवर्नर आरबीआई ने कैश के रिलीज से कंफर्मेशन से संबंधित चीज़ों को एडमिट तो जरूर किया, बट कमीशन ने आरबीआई गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कहा कि एसओपी के डिविएशन के लिए कौन जिम्मेदार है वह तय किया जाए। चेकिंग ऑफ हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट से संबंधित एसओपी है उसमें भी देखिए कंपेंडियम अक्टूबर 17 में कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं। जो हेलीकॉप्टर में आने जाने वाले लोग रहेंगे उनकी बॉडी फ्रिस्किंग नहीं की जाएगी। बॉडी फ्रिस्किंग के लिए टोटली मना किया गया है। इसके लिए सिर्फ एक प्रोविजन किया गया है कि स्पेसिफिक इनपुट अगर है कि कोई आदमी बॉडी पे ऐसे कोई चीज़ कैरी कर रहा है जिसका इंस्पेक्शन किया जाना अपेक्षित है तभी मात्र बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी, अदरवाइज बॉडी फ्रिस्किंग नहीं की जाएगी। पर उसके साथ कैरी होने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं, बैग्स एंड बैगेजेस हैं, उन सबके फिजिकल चेकिंग और फ्रिस्किंग जो है उनकी की जानी चाहिए। 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई अमाउंट अगर है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर करनी होगी, क्योंकि जनरली हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के लोकेशंस पे सीआईएसएफ डेपूट रहती है तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर करें। कमर्शियल एयरपोर्ट पे भी जो लैंडिंग और टेक ऑफ है जो हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट स्पेशली इलेक्शन कैंपेन के कंसिडरेशन से आ रहे हैं उसके प्रायर परमिशन डीओ से प्राप्त करने की ज़रूरत है, और एटीसी को ऐसे सारे लैंडिंग्स और टेक ऑफ का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और उसमें कौन से ऑफिशियल्स आ रहे हैं और क्या क्या किस किस पर्पज़ से वो लैंडिंग हो रही है या टेक ऑफ हो रहा है इसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। ये भी कहा गया है कि ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के 3 दिन के भीतर सीओ को पेश कर दिया जाना चाहिए। किसके द्वारा? एटीसी के द्वारा, और सीओ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे एक्सपेंडिचर ऑफिसर से जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस खर्च को कैंडिडेट के खर्च पे या पॉलिटिकल पार्टी के खर्च पर शो किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट के परमिशन के लिए 24 घंटा एडवांस परमिशन का एप्लीकेशन डीओ को कंसर्न डीओ को दिए जाने की अपेक्षा की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर को सारे कैंडिडेट, अगर कोई भी कैंडिडेट इस तरीके की व्यवस्था में जा रहा है तो रिटर्निंग ऑफिसर को इस एक्सपेंडिचर से संबंधित जो ऐसे क्राफ्ट के हायरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल कर रहा है तो रिटर्निंग ऑफिसर को राइटिंग इन्फॉर्मेशन देना होगा। हायरिंग ऑफ क्राफ्ट से संबंधित कोई प्रोविजन अगर है तो इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 75 दिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मामले में और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के मामले में 90 दिन के भीतर जब इलेक्शन कंटेस्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे एक्सपेंसेस का डिटेल्स पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शेयर करें ताकि पार्टी के पेटे जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर्स है, उसको अकाउंट फॉर किया जा सके। नॉन कमर्शियल एयरपोर्ट्स जो इलेक्शन के पर्पस के लिए तैयार किए जाएंगे उसमें भी जो टेक ऑफ होगा या जो लैंडिंग होगी
उसके लिए भी ये प्रोविजन रहेगा कि बॉडी फ्रिस्किंग किसी पैसेंजर का नहीं किया जाएगा जब तक स्पेसिफिक इनपुट ना हो, मगर जो बैगेजेस हैं चाहे प्राइवेट या चार्टर हेलीकॉप्टर्स में हैं उनका सबका चेकिंग होना ज़रूरी होगा। सेपरेट एंट्री या एग्जिट पैसेंजर्स जो रहेंगे उनके लिए स्पेशल नहीं की जाएगी। CISF की चेकिंग के लिए सारे के सारे लोग उसी SOP को फॉलो करेंगे जो एक कॉमन मैन के लिए किया जाता है। चेक इन बैगेजेस में अगर कोई कैश मूवमेंट हो रहा हो तो कमर्शियल एयरलाइंस भी इससे संबंधित रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से और CO ऑफिस से शेयर करेंगे। एक केस स्टडी है, लॉन्गिंग का केस है, नागालैंड। 1 करोड़ रुपए आसाम राइफल्स ने कंटेस्टिंग कैंडिडेट से सीज किया। अनऑथराइज्ड हेलीकॉप्टर में अनऑथराइज्ड अनशेड्यूल्ड लैंडिंग के साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाया जा रहा था। यद्यपि जब चैलेंज या सूट फाइल हुआ तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने इस कैश को रिलीज करने का ऑर्डर पास किया, बट कमीशन ने ऐसे इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल हाईकोर्ट गुवाहाटी में पिटीशन दायर किया है। ऐसा ही एक केस मणिपुर इम्फाल का है, जब 10.5 लाख रुपए इम्फाल एयरपोर्ट से सीज किया गया। IT डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन शेयर हुई। फाइनली ये मामला फाइनल ब्लैक मनी डिस्क्लोजर का जाहिर हुआ। थैंक यू सो मच।